हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं हूं आपका अपना राजबर राज आपके सामने एक बार फिर से अप्रेलिया 457 और वो भी बिल्कुल न्यू कलर जो कि है प्रिज्मेटिक डार्क के अंदर है जो कि आप देख सकते हैं कलर। इसमें कलर क्या होता है, कलर जब भी इसके पास जाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, दूर जाएंगे तो भी कलर चेंज हो जाएगा। जो कि आपने कैमल कलर देखा वही इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, मल्टी शेडेड वाला। और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है, सबसे पहले आपको पता है जो नई बाइक ली जाती है नई बाइक में सबसे पहले क्या कराया जाता है, वो कराया जाता है आपकी लेमिनेशन। देखिए इधर आइए, जो कि स्टार्ट हो चुकी है लेमिनेशन, एक तरफ का पार्ट हो चुका है, एक तरफ का पार्ट अभी अंडर प्रोसेसिंग है और अभी इसका टैंक होना बाकी है, फायरिंग होनी बाकी है और साइड का देखिए फेंडर ये सारे होंगे अभी इसके लेमिनेशन, फ्रंट बरगार्ड भी इसका होगा लेमिनेशन और ये है बिल्कुल न्यू ब्रांड। तो ये भैया आए हैं शाहजहानपुर से, जो कि भैया बताएंगे खुद अपना ब्यौरा देंगे। 1193 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है क्योंकि आपको पता है यूपी है, दूर है तो आने में थोड़ा समय लगता ही है। ये से पूछ ही लेते हैं भैया जी, बताइए क्या चार्ज आपको? बहुत शानदार, और 400 किलोमीटर तो लग ही जाते हैं शाहजहांपुर से आने में, तभी तो आप इतनी दूर से आप स्पेशली काम कराने हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार काम है, इसीलिए मैं आया हूँ। और अभी अंडर प्रोसेसिंग काम का स्टार्ट ही किया जस्ट, तो अभी तक बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार लग तुम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शानदार काम है, बहुत शानदार बेस्ट। चलो जब भी करते हैं इसको स्टार्ट, इसके अंदर जो लगाने वाले हैं वैसे देख सकते हैं इसके अंदर हम शॉक प्रोटेक्शन लगा चुके हैं, इसके अंदर फॉक्स रडर भी लगने बाकी है, इसके अंदर बाकी टैंक पैड, थाई पैड, इवोटेक के स्लाइडर्स, लीवर गार्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगने वाली हैं। और बाकी अब करते हैं कंप्लीट कर दिखाते हैं, कुछ ऐड ऑन होता है या कुछ एक आधा आइटम हटता है बढ़ता है वो, और जो शाहजहानपुर वाले हैं वो भी देख लें क्योंकि वहाँ की ये पहली बाइक होगी। जैसे आपने लास्ट वीडियो देखी थी हमारी यूपी से आई थी जो कि वो पहली बाइक थी, इसी तरह इनके यहाँ भी शायद ये पहली बाइक होगी और इसके बाद रेडी होकर निकलेगी, तो फिर देखते हैं कैसी होती है। तो वीडियो बनाने का चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, रजवा स्क्रीन जो मिलेगा यूट्यूब पर से मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। फ्रेंड देख सकते हैं इसके अंदर अभी आपकी गाड़ी जो है खुल चुकी है केसिंग स्लाइडर लगने के लिए, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू ब्रांड बाइक है। और न्यू ब्रांड बाइक को अगर ढंग से नहीं खोला जाएगा, नहीं फिट किया जाएगा तो आपकी बाइक की बैंड बच सकती है, तो इसलिए जब भी करवाएं प्रोफेशनल करें वरना कोई फ़ायदा नहीं है करवाने का। देख सकते हैं ये इसकी फेयरिंग से जो कि निकल चुकी है, इसकी साइड का पैनल, और अभी करते हैं इसको कम्प्लीट, फिर कम्प्लीट करके दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसी मॉडिफिकेशन इसके अंदर होने वाली है और इसमें क्या क्या लगा है फाइनली। क्योंकि ये जो बाइक है ना ये बहुत ही डिसेंट कलर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रैप कर रखी हो, क्योंकि मैंने रैपिंग तो बहुत सारी कर रखी है, बट ये कंपनी ने जो कलर दिया ना बहुत ही अल्टीमेट कलर दिया है। तो अभी करते हैं कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर इसका मॉडिफिकेशन में क्या क्या हो रहा था और क्या क्या इसके अंदर किया गया है, अब फाइनली हो चुकी है कंप्लीट। अब दिखाएंगे इसके अंदर कि क्या क्या इसके अंदर हो चुका है। सबसे पहले दिखाऊंगा लैमिनेशन, जो कि आप देख सकते हैं जज भी नहीं हो रही कि इसमें की है नहीं की है, तो गाड़ी का कलर इतना ही अलग है जो कि यूनिक कलर है वो है, साथ में लैमिनेशन इसमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रही है जो कि हमने की गई देख सकते हो, चाहे इधर का पोर्शन हो, चाहे आपका टैंक हो, चाहे आपकी पीछे की टेल हो, कोई सा भी पार्ट आपको नहीं दिखेगा, जितना भी जूम करके देख लो, जज करके दिखाओ की है नहीं की है वो बिल्कुल पता लगने वाला नहीं है इसके अंदर। साथ में जो वाइजर होता है ट्रांसपेरेंट होता है इसको कर दिए गए इसके अंदर ब्लैक कलर, जो कि पता ये भी नहीं लग रही कि की है नहीं की। और साथ में ना एक चीज़ और दिखाऊंगा इसके अंदर, ये देखिए ये इसके अंदर अप्रीलिया जो लिखा गया ना इसके अंदर अप्रीलिया, ये कंपनी ने नहीं लिखा है, ये हमारे यहाँ से लिखा गया है, जो कि सच कहे तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि ये कंपनी दे रही है फिर हमने किया है, और जब समझ सकते मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हूँ तो आप भी ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो गए। जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा हुआ था यहाँ पर अंडर बाउंड्री कर रखी थी, टैंक के यहाँ पर अंडर बाउंड्री कर रखी थी, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद कंपनी से की हो, वही सेम वर्क इसके अंदर भी हमने किया गया है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो सबसे मेन फीचर्स है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर, जो कि इसकी लुक तो एनहांस होती है, साथ में ना इसका शॉकर और मरगार्ड ये होता है पूरी तरीके से
क्योंकि इसके अंदर होते हैं आपके यूएसजी शॉकर, और यूएसजी शॉकर में अगर ज़रा सा भी कुछ लगा करो चाइना तो समझ लो आपका शॉकर डैमेज होने का मतलब मोटा खर्चा होने वाला, और गाड़ी भी एक महीने कम से कम कंपनी में रहने वाली है। बट ये सब लगाने के बाद ना फॉक्स राइडर फॉक्स प्रोटेक्शन, इसे लगाने से पूरा पोर्शन हो गया आपका इसका सेफ, शॉकर ऊपर से लेके नीचे तक, साथ में एबीएस प्लेट डिस्प्ले ये भी हो गए पूरी तरह सेफ, और लुक भी काफ़ी है ना इनहेंस हो गया ब्लैक कलर लगाने के बाद। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरह, लुक चेकआउट कर लो कैसे आ रही लगने के बाद। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर लीवर गार्ड, देख सकते हैं ये लीवर गार्ड है प्रीमियम क्वालिटी वाला जो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, जो नॉर्मली हम सुपर बाइक वाले के अंदर है, तो ये भी सुपर बाइक से कम तो है नहीं, स्पोर्ट बाइक है तो क्या हुआ, बट मज़ा इसका सुपर बाइक वाला है। सेम इधर सेम देखने लगेगा आपको इस तरफ, और ये कलर देख लो इसका क्या डैशिंग का कलर निकाल के लगाया गया, जो कि ना गाड़ी के कलर से मैच होता है, देखेंगे इधर से तो कुछ और कलर, उधर से देखेंगे कुछ और कलर, बट इसका यही सेम कलर है जो इसके अंदर लगाया है। इसके अंदर इस सबके लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से सेफ। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर केसिंग स्लाइडर, देख सकते हो आप ये इसका केसिंग स्लाइडर इवोटेक का ओरिजिनल, देख सकते हो आप ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। इसे लगाने के बाद ना समझ लो आपका वाइजर सेफ हो गया, आपका साइड के पैनल सेफ हो गया, और आपका टैंक सेफ हो गया, और हो गए आपके खुद के लैक्स ये भी हो गए पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी आपकी बाइक, वैसे तो मैं नहीं चाहता कभी ज़िंदगी में गिरे, लेकिन मे भी ज़रा सी स्किट वगैरह होती है तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा मोटा आता है, और सारा फेयरिंग वगैरह सब खराब हो जाता है तो भैया मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया। इसके अंदर सेम इधर सेम देखने को मिलेगा आपको इस तरफ, देख सकते हो आप दोनों तरफ मिल जाएगा आपको केसिंग विद स्लाइडर जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर टैंक पैड, ये इसका टैंक पैड है जो कि इंस्टॉल कर दिया गया। टैंक पैड लगाने के बाद ना, ये टैंक पैड लगाना मैंडेटरी पता क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब भी राइड करते हैं ना, तो राइड करते हुए कहते हैं बेल्ट का जो फ्रंट का पोर्शन होता है वो इसके अंदर टच होके आपके टैंक को ख़राब कर देता है, तो उसको अगर सेव करना है तो आपको टैंक पैड लगाना ज़रूरी, बाकी आपकी इच्छा। अगर आप बेल्ट वगैरह नहीं पहनते या फिर आपको डर नहीं है तो मत कराइए, बट ये क्या है लुक भी इनहेंस हो जाती है इससे, और साथ में आपको टैंक भी होता पूरी तरीके से सेफ। और आपकी गाड़ी का जो करा उसकी मैचिंग का दिया गया है इसके अंदर, ब्लैक एंड ग्रे की मैचिंग का, जो कि आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और ना आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसके अंदर, नीचे देखिए, नीचे मिलते हैं अप्रेलिया की, देख सकते हैं ये है ब्रांडिंग जो कि इसकी की गई है हमारे यहाँ से, जो कि कंपनी ने तो की है जो की है, साथ में हमने भी इसके अंदर कर दी गई है, जो कि लुक ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनी से ही हुआ हुआ है। वो इधर भी सेम मिलेगा आपको देखने को इस तरफ, अप्रेलिया का वही डिज़ाइन देख सकते हो आप, और काफ़ी ना यूनिक लुक निकल कर आ रही है इसे लगने के बाद। और अब यहाँ पर आकर इसकी तो हो गई मॉडिफिकेशन कंप्लीट, अब मैं बुलाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की बाइक है कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं और फिर उनको काम कैसा लगा। तो हेलो सर, पहले तो बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम हैदर हुसैन खान, मैं यूपी शाहजहाँपुर से आया हूँ, और सर की मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, राजू भाई की वीडियो देखी थी मैंने, तभी मैं आया, और बहुत अच्छा काम है, एक नंबर, दिल खुश। और सबसे बड़ी बात है राजू भाई बहुत अच्छे आदत है, बहुत अच्छा स्टाफ है राजू भाई का, बहुत अच्छा काम किया सब, एक नंबर, जी एक नंबर। और कोई हमारा भाई बंधु आना चाहे और जी ज़रूर जी भेजते हैं लोगों को, और खुद हम आएंगे एक बार और काम करवाने। कितने किलोमीटर यहाँ से आपका शाहजहाँपुर? लगभग 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर काम करवाने आए थे हम राजू भाई के पास, और जैसा सोचा था वैसा ही भैया ने करके दिया। आए थे भैया मेरे ख्याल से 12:30 एक बजे, जी और अब बज रहे 8:30, तो समझ सकते हो काम में टाइम लगता है, लेकिन काम एक नंबर है। बिल्कुल तो ये आपने देख ही लिया, तो थैंक यू सो मच सर आपका आने के लिए, और आप भी आ सकते हो अपने किसी बाइक का मुड़ कराने के लिए, आपकी अपनी शॉप जो मिलेगी राजू भाई की शॉप दिल्ली के रोड नया वेलन के अंदर, एड्रेस लोकेशन सब डिस्क्रिप्शन में डला हुआ, आप चाहो तो निकाल सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो कॉल या व्हाट्सअप करके कहीं भी आप कुरियर मंगा सकते हो या फिर आ सकते हो इजीली, लोकेशन भी आप चाहो तो वो मिल जाएगी आपको। और वैसे मैं लोकेशन बता देता हूँ, मेरी दो शॉप मिलेंगी आपको, एक मिलेगी आपको आर्य समाज, दूसरी भी मिलेगी आर्य समाज पर, बट बता देता हूँ कैसे। पहले जो मिलेगी आपको मेन हनुमान जी की मूर्ति झंडे वाले मेट्रो के अपोजिट है, वहाँ पर आकर तो मेरी शॉप का जो डिस्टेंस 100 मीटर का डिस्टेंस रह जाता है, जैसे कि एंटर मारते हैं गफार के लिए, कार मार्केट के लिए, नाइवलान के लिए, तो सारी मार्केट जितनी भी है वो सारी आर्य समाज रोड से ही निकल कर जाएगी, जो कि हनुमान जी की मूर्ति के अपोजिट है। तो वहाँ से जैसे आप एंटर मार के अंदर आएंगे, पहले चौक पे मिलेगी मेरी दूसरी पहली शॉप ये वाली, और दूसरे चौक पे मिलेगी मेरी दूसरी शॉप, दोनों शॉप सेम रोड पर है, जब भी आओ तो कन्फ्यूज़ होने की जरूरत है ही नहीं। एक रोड पर दो शॉप जो मिलेंगी वो मिलेंगी सर मेरी राजू भाई एस्केडिंग के नाम से, जो कि आपको करोल बाग के अंदर मिल जाती है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, राजू भाई एस्केडिंग जो मिलेगा यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाई।